कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अगला कदम लद्दाख की पार्टियों से मुलाकात का होगा, और इस कदम से संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बड़ा होगा। और जिस तरीके से एक के बाद एक ये कदम दिखाई दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान के हाल तो बेहाल है ही। दरअसल 1 जुलाई को कारगिल और लद्दाख के सभी दलों एवं सिविल सोसाइटी सदस्यों को न्योता दिया गया है। पूर्व सांसदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी इस मुलाकात के लिए आमंत्रण भेज दिया गया है। ये बैठक केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किशन रेड्डी की अगुवाई में उनके आवास पर 1 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 24 जून को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 8 विभिन्न दलों के 14 नेताओं के साथ चली करीब 3.5 घंटे की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें अधिकांश नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग उठाई थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने के बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। उस बैठक में मौजूद सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ महबूबा मुफ्ती की भौंरे चढ़ी हुई थी। वो लगातार धारा 370 और पाकिस्तान पर बात कर रही थी। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनाव जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य की बहाली के प्रमुख मील के पत्थर हैं। यानी उम्मीद है कि जल्दी वहां पर विधानसभा चुनाव भी नजर आएंगे। जिस विधानसभा चुनाव से महबूबा मुफ्ती पहले ही भागती नजर आ रही है, ऐसे में अब लद्दाख के नेताओं से होने जा रही मीटिंग से विरोधी नेताओं को और ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।